छतरियां बनी हुई हैं यहाँ पर, देखेंगे किसका नाम है यहाँ पे, किसको जलाया गया था यहाँ पे, जलाया करते थे आज से 100 साल पहले, अभी भी जलाया करते, अभी भी वहीं पे जलाया जाता है जो उनके शाही परिवार वाले होते हैं, आप खुद यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं जसवंत धारा दिखाने वाला हूं, जो कि मेहरागढ़ फोर्ट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। आप देख सकते हैं उधर मेहरागढ़ फोर्ट है, मेहरानगढ़ फोर्ट, और उसके बाजू में यह जसवंत धारा, जो कि यहाँ इसको सफ़ेद संगमरमर यानी जिसको मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है, और इसका पूरा इतिहास भी मैं आपको बताऊँगा। 1899 में इसको निर्माण करवाया गया था इसका। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। सुधीर टिकट लेने के लिए गया है तो आगे का नज़ारा आपको पूरा दिखाऊंगा, उसके बारे में मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी मैं इस तरफ से आया था और यहाँ पे पूरा पार्किंग एरिया है और यहाँ पर टिकट काउंटर है। तो सुधीर टिकट लेके आया है, कितने की आई एक टिकट? 30 रुपये की एक टिकट दी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और 5 बजे तक इसकी एंट्री होती है, तो अभी हम जाते हैं अंदर, उसका पूरा नज़ारा मैं आपको दिखाऊँगा दोस्तों। तो ये टिकट काउंटर आप देख सकते हैं इधर, और अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पे टिकट की एंट्री की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सुंदर नज़ारा, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और ये व्यू देखिए दोस्तों, पूरा पहाड़ी पहाड़ आपको दिखाई देता होगा इधर से, और इधर कैफ़े वगैरह हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर। और इसको, इस जगह को देवकुंड कहा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है देवकुंड में उतरना मना है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे सेल्फी वगैरह ले सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे फ़ोटो आते हैं इधर से। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जसवंत धारा सफ़ेद संगमरमर से बना एक स्मारक है जो जोधपुर के मेहरागढ़ दुर्ग के पास स्थित है। स्मारक 1899 में जसवंत सिंह के बेटे महाराजा सरदार सिंह द्वारा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के सम्मान और समृद्धि के निर्माण के लिए शिलालेख है। यह आज एक मारवाड़ शाही परिवार के लिए शमशान घाट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको शमशान घाट भी कहा जाता है, मारवाड़ी जो होते हैं शाही, उनका शमशान घाट है दोस्तों। तो इधर का व्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। 1899 में इसका निर्माण करवाया गया था, जो मारवाड़ की जो शाही परिवार है उनका शमशान घाट है, आज भी उनको यहीं पर जलाया जाता है। तो चल के देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना। दोस्तों इस तरह आप देखेंगे खाली स्पेस है, और जो नज़ारा इसका काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूरा लेक दिखाई देता है, और लेक का नज़ारा आप देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पूरा चारों तरफ जो किले की मीनारें हैं यहाँ से नज़र आती हैं। ये उनका किला था जो शाही परिवार थे मारवाड़ के, और ये उनका शमशान घाट था, उनको जहाँ पर जलाया जाता था। इसको संगमरमर से बनाया गया था, और इसको ताजमहल भी कहते हैं, मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है दोस्तों इसको। तो यहाँ से देखेंगे कितना सुपर यहाँ से नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। तो दोस्तों इसको देवकुंड कहा जाता है, और देवकुंड में आपको काफ़ी सारे पक्षी देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको एक और बैक कैमरे से दिखा दूँ, यहाँ देख सकते हैं आप, ये देवकुंड का नज़ारा है। यहाँ पे पार्थिव शरीर को पहले नहलाने के बाद में फिर यहाँ पे जलाया जाता था उस ज़माने में, और क्या पता जब भी पता चलेगा अभी भी जलाते हैं ऐसा बताया जाता है शाही परिवार के जो मारवाड़ के। तो चलते हैं अंदर, फिर आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा दोस्तों। तो ये है मेन गेट, यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे अंदर से नज़ारा पूरा। इस तरफ से जाने का है, अगर आप वापस आएंगे तो पूरा घूमता हुआ ऐसे वापस आ सकते हैं। तो हम यहाँ से एंट्री करते हैं पहले अपने, और यहाँ पे आपको जाना है तो पहले आपको जूते यहाँ पे बाहर उतारने पड़ेंगे, यहाँ सब लिखा हुआ है साफ साफ, आप इधर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक ये समाधि स्थल बना हुआ है, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका मेन नज़ारा कैसा है दोस्तों। तो इधर से आप देख सकते हो दोस्तों साफ साफ इसको। तो वापस से अभी हम पहुँच जाएंगे जिसको वाइट मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, और आप यहाँ से आप इसका नज़ारा देख सकते हो दोस्तों, कितना सुंदर और कितना दृश्य भरा नज़ारा है दोस्तों इसका। हम लोग इधर से आए हैं घूम के वापस, तो मैं ऊपर चलता हूँ ऊपर की तरफ, फिर आपको नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से कैसा है। जसवंत धारा इसको बोलते हैं दोस्तों, काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा ही है। और इधर से आप देखेंगे दोस्तों कैसा नज़ारा इसका यहाँ से दिखाई देता है, और यहाँ से भी पूरा जयपुर दिखाई देता है,
उस तरफ शमशान घाट है। पहले मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखा के लाता हूँ। तो ये 5 बजे इसका गेट बंद हो जाता है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो इस तरफ से अंदर जाएंगे और हम वापस घूमते हुए उधर से वापस आएंगे। यहाँ पर नाइट के टाइम पर लाइटें जलती हैं तो काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है इसका। तो इधर से भी बनाया हुआ लेकिन यहाँ से पूरा बंद किया हुआ है अभी इसको, लेकिन सीढ़ियाँ बनी हुई इधर। लेकिन यहाँ से आप व्यू देखेंगे दोस्तों, कितना सुंदर और प्यारा व्यू यहाँ से दिखाई देता है। अंदर जाने की एंट्री पता नहीं किधर से है। और यहाँ से देखिए दोस्तों, पूरा पहाड़ी पहाड़ का नज़ारा आपको देख सकते हैं दोस्तों क्लियर, और कितना सुंदर यहाँ से दिखाई देता है। यह है इसका दृश्य। और अभी हम चलेंगे अंदर की तरफ उधर से। देखिए कैसा नज़ारा है इसका, जो दूसरा ताजमहल है, जो मारवाड़ का ताजमहल है जो सैफ अली ने यहाँ पे बनवाया था, कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों इसका, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरफ से अंदर जाने की एंट्री है इसमें, और ये कुछ इस वजह से खाली खुली हुई जगह है यहाँ पर। तो पहले हम अंदर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसका इतिहास लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप पढ़ सकते हो, तो एक बार आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये है महाराजा सुमेर सिंह, सारी तस्वीरें लगी हुई देख सकते हो दोस्तों आप। महाराजा तखट सिंह, महाराजा मान सिंह, सबकी यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं। और यहाँ से खिड़की का व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है, और यहाँ से आप मेहरानगढ़ का किला भी देख सकते हैं दोस्तों। और ये महाराजा राम सिंह। और एक बार इधर से घुमा के फिर मैं आपको वापस चारों तरफ से घुमा के लाता हूँ, फिर जो इनकी तस्वीरें हैं वो दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ तक आप आ सकते हैं, आगे लड़ी लगी हुई है इसके, आप आगे जा नहीं सकते हैं दोस्तों। जो इन्होंने बनवाया था उनके शाही परिवारों का यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों सामने कितना अच्छा यहाँ से नज़ारा दिखाई देता है। और पूरा संगमरमर के बना हुआ है, जैसे ताजमहल बना हुआ है उसी का ये बना हुआ है दोस्तों, संगमरमर का। राव रिद्धि में यहाँ पर सबका लिखा हुआ है, रिद्धिमल 1427 से 1438 तक जो इन्होंने राज किया था, जो इधर आप देख सकते हैं दोस्तों, राव चुंदा। और ये उनके जो चप्पल पहनते थे चरण पादुका यहाँ पर रखी हुई दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पीतल के लोटा और थाली रखी हुई है, जो उनको भोग लगाया जाता दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये नज़ारा, काफ़ी अच्छा दोस्तों। जिन्होंने इनकी स्थापना की थी उनकी यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं, और यहाँ पे थालियाँ रखी गई हैं जो उनको भोग लगाया जाता है, इनकी आरती वगैरह रखी जाती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कैसा नज़ारा है। दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया था ऊपर का नज़ारा पूरा, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो शाही परिवार को जलाते थे उनका जो कब्रिस्तान था उसका नज़ारा मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो एक बार आप पीछे से देख लीजिए कैसा नज़ारा इसका दिखाई देता था दोस्तों, जिसको ताजमहल कहा जाता है मारवाड़ का। और यहीं पर है उनका पूरा कब्रिस्तान, यहाँ पर उनको जलाया जाता था। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगा जो छतरियाँ बनी है वाइट वाइट, सभी राजा महाराजा थे जो शाही परिवार के, उनके सब कब्रिस्तान, सॉरी कब्रिस्तान नहीं बोल सकते, उनको जलाया गया था, शमशान घाट था दोस्तों उनका। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ वापस जहाँ पर उनको जलाया था, सबके यहाँ पर समाधि बनाई हुई है, समाधि बोल सकते हैं आप उसको, स्मारक बोल सकते हैं, या फिर उनको जो शमशान घाट है वो बोल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये भी संगमरमर का बना हुआ है और उधर रेड पत्थर से बना हुआ है। तो मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, 20 तारीख ग्रुप से इनका सबका लिखा हुआ है। तो मैं पहले इधर से स्टार्टिंग कर देता हूँ, मैं जूतों को थोड़ा बाहर उतार लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये भी पूरा संगमरमर का ही बना हुआ है, और यहाँ का नज़ारा देखिए दोस्तों। यहाँ तो अभी कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो ऐसे बिना लिखे अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन जितने भी शाही परिवार के राजा महाराजा थे सब उसमें उनकी ये समाधियाँ या फिर जो शमशान घाट या कब्रिस्तान बोल सकते हैं उनको बनाया हुआ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर व्यू है, और यहाँ पे फिलहाल बंद किया गया खिड़की से, लेकिन ये पूरा संगमरमर से ही बना हुआ दोस्तों। तो आप उधर से भी नीचे आ सकते थे, और इधर से भी मैं अभी आया हूँ इस तरफ से। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चारों तरफ ये बना हुआ नज़ारा,
और व्यू काफ़ी सुंदर है, आप खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदरता है यहाँ पर। और फुलवाड़ी है, तरह तरह के फूल यहाँ पर खिले हुए हैं, तो लोग आते हैं यहाँ पर फ़ोटो वगैरह सेल्फी वगैरह लेते हैं। तो इधर से व्यू देखिए दोस्तों, इधर से कैसा दिखता है। ये आए थे वीडियो बनाने के लिए, तो इनकी तो हवा निकल गई यहीं पर। मैं चलता हूँ वापस, जो संगमरमर लाल पत्थर से बनाया हुआ कब्रिस्तान शमशान घाट, उस पर लिखा हुआ भी है सबके नाम, तो मैं उसी के आपको व्यू दिखाऊंगा दोस्तों अभी। तो यहाँ से एक बार मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो जोधपुर शहर है यहाँ से भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है दोस्तों। तो यहाँ का दोस्तों व्यू देखिए कितना सुंदर यहाँ से दिखाई देता है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अंकल जी है, यहाँ की देखरेख संभालते हैं और काफ़ी अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, ताकि इधर क्या ढलान है गहराई है, ताकि वो गिर ना जाए और कोई पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचाए, उन्हीं की देखरेख करते हैं। तो अंकल जी आप थोड़ा हमें बताएंगे जरा इनके बारे में, ये समाधि बनी हुई है संगमरमर से। ये समाधियाँ सब पुरानी है जी जी, यहाँ के राजा के पूर्वजों की है जी जी, इनके रिश्तेदारों की। अच्छा अच्छा, और उस तरफ बनी हुई है वो सरदार सिंह जी महाराज के। अच्छा अच्छा, परिवार में से सब अलग अलग परिवारों के अलग अलग बनाई हुई है। तो इसी के लिए मेरे को थोड़ा जानना था कि हमें यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं था, तो हमें थोड़ी कन्फ्यूजन थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो थैंक यू अंकल जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं आपने जो बताया मैं बहुत अच्छा लगा। जो राजा जसवंत सिंह जी थे उनके जो पहले के जो उनके परिवार वाले थे उनको वहाँ पर जलाया किया, वहाँ पर अंतिम संस्कार किया करता था। उसके बाद जो उनके जो परिवार वाले थे रिलेशन वाले थे उसके बाद उनको यहाँ पे जलाया करते थे। तो यहाँ पे सबका नाम लिखा हुआ है, तो मैं अंदर लेके चलूँगा फिर आपको दिखाऊंगा इसका नज़ारा दोस्तों। वापस आ गया हूँ अंदर की तरफ, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे सबका नाम अलग अलग लिखा हुआ है। राजकुमार मयूर ध्वज सिंह जी का साहब जन्म 5/6/1927 को हुआ था, और उनका स्वर्गवास सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये सारे उनकी छत्रियाँ बनी सब जो महाराजा के, महाराजा स्वरूप सिंह जी के साहब पुत्र जसवंत, सबका अलग अलग लिखा हुआ, उनके परिवार जो वंशज थे तो उन्हीं का सब यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों। तो सब छत्रियाँ अलग अलग बनाई गई हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और रानी का किरण कुमारी जी पत्नी महाराजा चंद्र सिंह जी साहब, सबका अलग नाम यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर। और यहाँ से मेरागढ़ का फोर्ट काफ़ी सुंदर दिखाई देता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इधर बड़ी बड़ी ये बनी हुई हैं जो छत्रियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर देखेंगे किसका नाम है यहाँ पर, किसको जलाया गया था। और व्यू देखिए दोस्तों, व्यू कितना सुंदर यहाँ से दिखाई देता है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये शाही परिवार को यहाँ पर जलाया करते थे आज से 100 साल पहले, अभी भी जलाया करते, अभी भी वहीं पर जलाया जाता है जो उनके शाही परिवार वाले होते हैं, आप खुद यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। और अभी भी वहाँ पर जलाया जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, जैसे कि पूर्व सम्मानपूर्वक उनको यहाँ पर अभी तक जलाया जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ पर। और सामने है मेरागढ़ फोर्ट। तो दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया जो शाही परिवार को जलाया जाता है, महाराज ये जो जोधपुर के राजा थे उनके सभी परिवार वालों को यहाँ पर जलाया जाता है, उसी का मैंने आपको लोकेशन बताया। और आपने इसके पहले ये वीडियो कभी देखी दोस्तों तो कमेंट करके बताना, नहीं देखी तो भी आप मुझे कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दिखाया जो मारवाड़ का ताजमहल था, वो भी मैंने आपको दिखाया, जो संगमरमर से बनाया जाता है दोस्तों। ऐसा बताते हैं कि इसकी पहले यहाँ पर जो आपको मैंने मंडोर दिखाया था वहाँ पर छत्रिया बनी हुई है, राजा शाही परिवार के पहले वहाँ पर जलाया करते थे, उसके बाद में फिर यहाँ पर जब ताजमहल बना था उसके बाद में फिर यहाँ पर जलाना उन्होंने स्टार्ट किया, और आज भी जलाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया था वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर सबके नाम लिखे हुए हैं, सबकी कब कौन सन में जलाया गया था, कब उनकी मृत्यु हुई, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि और भी कोई नई आने वाली वीडियो आप सभी को मैं सबसे पहले दिखा सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।